जय हिंद साथियों, वंदे मातरम सभी योद्धाओं। आज एक बड़ी अपडेट को देखेंगे हमारे योद्धाओं। साथियों, आर्मी टीए भर्ती 2024 के संबंध में एक बड़ी बात तुमसे हम करने वाले हो मेरे साथियों। एक बात को बहुत कायदे में तुमको समझना है, आर्मी टीए भर्ती इस बार जरूर आएगी। एक महीने इससे पहले वीडियो बनाई थी, बच्चे कह रहे थे सर आर्मी टीए की नहीं आ रही, मैं खुद आर्मी में हूं। अरे जब तुम खुद आर्मी में हो तुम हमारी वीडियो काहे देख रहे हो भैया, क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हो? साथियों हौसला रखो, विश्वास रखो, करने की रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। अरे हिम्मत रखिए, मंजिल के मुसाफिर हो, मंजिल मिलेगी, मंजिल पाने का मजा भी आएगा। साथियों आर्मी टीए भर्ती में जाने का सपना अब साकार होगा। सुपर स्काई क्लासेस को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें मेरे साथियों। जितने भी मेरे साथियों जिनका सपना है आर्मी टीए में जाना, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। आज कंप्लीट हम तुमसे बात करने वाले, चिंता का कोई विषय नहीं है। साथियों बाकायदा देखिएगा आप लोग, जितने मेरे योद्धा हैं, आर्मी टीए नई भर्ती 2024, आर्मी टीए नई भर्ती 2024 के संबंध में मेरे साथियों हम तुमसे बात करेंगे। और तुमसे करा बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ, फॉर्म आपके सितंबर से शुरू। हां जी बिल्कुल बात सत्य है कि सितंबर से तुम्हारे ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ हो जाएंगे। किस सितंबर से वो हम आपको लेटेस्ट अपडेट में बताने वाले। साथ ही साथ मेरे साथियों सभी जोन की होगी भर्ती। आपको मालूम है मेरे साथियों, आप लोगों को चार जोन में डिवाइड किया गया है, जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, जोन थर्ड और जोन फोर्थ, चार जोन में डिवाइड किया गया है और चारों जोनों की भर्ती अलग अलग होंगी। आप किस जोन में आते हैं आप कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम लिख के जरूर भेजिएगा कि सर हम इस राज्य से हैं, प्लीज कमेंट करेगा, हमारी टीम रिप्लाई करेगी। साथ ही साथ इसमें एक बड़ी खुशी की बात क्या है, इसमें बड़ी खुशी की बात है मेरे साथियों की, जो तुम्हारी एज लिमिट है 10वीं पास होना चाहिए और 18 से 42 वर्ष की उम्र। जिन साथियों ने आर्मी जीडी का सपना साकार नहीं हुआ, आर्मी क्लर्क का सपना साकार नहीं हुआ, ट्रेडमैन का सपना साकार नहीं हुआ, वो आर्मी टीए में जाके मेरे साथियों अपने सपने को साकार करे और मातृभूमि की सेवा को 100% वो बहुत अच्छे से कर सकता। आइए अब तुमसे आगे हम बात करते हैं, बहुत कायदे में तुमसे बात करेंगे। मेरी मेरी बात को बहुत तत्परता के साथ समझना, लापरवाही करने का कोई विषय नहीं है। हम तुमसे बहुत अच्छे से एक एक चीज के बारे में तुमको हम बताने वाले हैं, तो मेरी बात को बहुत अच्छे से आप लोग समझना। ये तुम्हारी है टेरिटोरियल आर्मी, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी पहले आप लोग समझना, मैं कंप्लीट जानकारी को लेकर तुमको बताने वाले हैं। आप लोग सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद मेरे साथियों ये होम का ऑप्शन है ना। और साथ ही साथ अगर हम तुमसे बात करें, बहुत कायदे में एक एक चीज को तुम समझोगे अपनी, ठीक है? ये आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे आराम से क्लिक करके आप चीजों को देख पाते हैं। और एक बात को और भी तुमको समझना है, जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो एक कैप्चर कोड डालना पड़ेगा, कोई बात नहीं इसको डाल देना, डालने में कोई दिक्कत नहीं। टू है आपका और साथ ही साथ एफ है आपका, ए है आपका, एन है आपका, बाई है आपका, यू है मेरे साथी, ये है, इसको क्लिक कर देना। जैसे ओपन हो जाएगा अपने आप, ये पेज ओपन हो गया और समस्त प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आपके लिए मेरे साथियों यहां पर देखिए, डाउनलोड्स है, डाउनलोड्स पे क्लिक करोगे, नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो समस्त प्रकार की अपडेट आपको यहां पर मिल जाएंगी आर्मी ट्यूटोरियल में, ठीक है? ये आपका होम का ऑप्शन है। अब एक चीज को मेरी जरा समझो, तुमको समझना क्या है, इस चीज के बारे में जरा कायदे में समझना मेरे भाइयों बहनों। आर्मी टीए की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, इन चीजों के बारे में जरा समझना। सबसे पहली चीज समझो साथियों, 10th पास आउट सभी मेरे भाई बहन, 10th पास आउट कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहली चीज, ये पूरे भारत में होने वाली भर्ती चार जोन में संपन्न कराई जाती है। साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस समझो, इसमें एज लिमिट तुम्हारी 18 से 42 वर्ष है, 18 से 42 वर्ष मेरे साथी एज लिमिट है। आर्मी टीए में जाने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो तुम्हारी है रनिंग। मेरे साथियों रनिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अगर रनिंग आपकी अच्छी नहीं तो आप आर्मी टीए में नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे मुख्य चीज है रनिंग, रनिंग को जितना मजबूत कर सकते हो, जितनी अच्छी तुम्हारी रनिंग होगी उतने अच्छे से तुमको नौकरी मिल पाएगी। और ये भी तुमको याद रहे, कम से कम पर जोन 21,000 प्लस पद आ रहे हैं। कितने पद? 21,000 प्लस पद आ रहे हैं। तुमसे कोई कुछ कहे, किसी के मानने की आवश्यकता नहीं है। सुपर स्काई क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो। अब प्रोसेस को सुनो, सबसे पहले इसके फॉर्म आएंगे मेरे साथियों, अपडेट आएगी, मैं अपडेट दूंगा। ऑफलाइन मोड में इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरे जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा मेरे योद्धाओं समझो, सबसे पहले तुम्हारा फिजिकल होगा। सभी को दिख रहा है? सबसे पहले तुम्हारा फिजिकल होगा। कौन होगा सबसे पहले मेरे योद्धाओं? सबसे पहले तुम्हारा फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या क्या होना तो सुनो, फिजिकल में तुम्हारी सबसे पहले मेरे भाई रनिंग होगी। क्या होगी? सबसे पहले रनिंग होगी। रनिंग के साथ ही साथ तुम्हारी पुश होगी, यानी उठा बैठक होगी।
पुशअप होंगी तुम्हारी, उठा बैठक होंगी और मेरे साथी कूद होगी। इसके बाद तुम्हारा इसमें होगा मेडिकल। मेरे भाई इसमें कौन होगा तुम्हारा? इसमें तुम्हारा मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद मेरे साथियों डीबी होगा। डीबी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और यहां पर आर्मी टीए के लिए एक छोटा सा टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा मेरे साथियों। एक माइनर सा टेस्ट होता है जो कि टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। उस टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है, पूरा सिलेबस 10th का रहता, तो टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाता है। लेकिन हम आपको एक चीज और बता दें, आर्मी टीए में सबसे मुख्य चीज है मेरे साथी वो तुम्हारी क्या है, वो तुम्हारा है फिजिकल, अर्थात रनिंग। जितनी मजबूत तुम्हारी रनिंग होगी उतना ही मजबूती के साथ आर्मी टीए में जा पाओगे। तो मैं तुमसे विश्वास दिलाता हूं कि आर्मी टीए की बेहतरीन तैयारी के लिए सुपर स्काई क्लासेस को सब्सक्राइब करो। और अगली वीडियो हम लेके आने वाले हैं जोन वाइज, किस जोन में कौन कौन से स्टेट होते हैं और किस जोन की कहां पे भर्ती है, कब भर्ती है। तो आप लोग सुपर स्काई क्लासेस को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर नीचे करें। तो आज के सेशन को मैं यहीं पे संपन्न करते हैं, मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।